एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की बेटी पायल मुखर्जी की हाल ही में निधन हुआ। वह काफी दिनों से बीमार चल रही थी। पायल काफी समय से टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थी, जिसके चलते वो कोमा में चली गई। इसके बाद से ही मौसमी और उनके पति ने दामाद डिक्की सिन्हा पर देखभाल ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया। काफी दिनों से दोनों के बीच कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके दामाद और बेटी के ससुराल वालों ने उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया। अब जब पायल मुखर्जी का निधन हो गया है, इसके बाद अब डिक्की सिन्हा मौसमी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में डिक्की सिन्हा ने बताया कि मौसमी चटर्जी सरासर झूठ बोल रही हैं। वो कभी भी पायल को देखने नहीं आई, इसके बाद इस तरह की बातें कर रही हैं। डिक्की सिन्हा ने आगे बताया कि मैं पिछले कुछ दिनों से इसलिए चुप था क्योंकि मैं अपनी बीमार पत्नी की देखभाल में बिजी था। पायल के निधन के बाद मुझे अभी भी कुछ रस्में पूरी करनी हैं, जिनमें थोड़ा समय लगेगा। 40 दिन बाद हमारा परिवार पायल की अस्थियों को गंगा में बहाने त्रिवेणी के लिए जाएगा। इसके बाद मैं मौसमी चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई करूंगा क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। नेक्स्ट टाइम न्यूज से गीतांजलि की रिपोर्ट।